सतयुग, इस सृष्टि के प्रारंभ में हम सारी आत्माएं अपने स्वर्णिम इथर ऊर्जा से भरपूर परम धाम घर में संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में रहती थी। तब परम धाम का केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है, साथ साथ पृथ्वी का भी केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है। इस पृथ्वी पर तब हम आत्माएं देवी देवताओं के पवित्र स्वरूप में रहते थे। सारे विश्व पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। इसी अति प्रगत सतयुगी संस्कृति को आज लोग अटलांटिस एवं मारिया आदि नामों से ढूंढ रहे हैं और प्राचीन संस्कृतियां जैसे माया, इजिप्ट आदि में इनके बारे में लिखा हुआ है। सतयुग की आदि में परम धाम की ईथर ऊर्जा पृथ्वी पर शुभ्र विवर के द्वारा निरंतर फैलती रहती है, जिससे सारा ब्रह्मांड एक अलग स्वर्णिम कणों द्वारा प्रभावित और तेजोमय रहता है। इस ईथर ऊर्जा की अखंड प्रवाह के कारण इस पृथ्वी पर जीव सृष्टि अपनी अति सतोप्रधान अवस्था में रहती हैं। तभी आकाशमंडल और भूमंडल का गुरुत्वीय केंद्र एक ही दिशा में होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर सरल दिशा में घूमते थे, जिससे चंद्रमा हर रोज पूर्ण रूप से दिखाई देते थे, न कि कोई कला के रूप में। सतयुग त्रेता युग में सभी राशि के 108 तारामंडल आकाश तत्व में एक ही मुकुट की रचना अनुसार घूमते थे और सप्तऋषि तारे भी ध्रुवीय तारा के नीचे एक ही लाइन में थे। इस समय प्रकाश की गति बहुत धीमी होने के कारण दिन और रात भी 21-21 घंटे के थे। आकाश तत्व का घूमना भी धीमी गति से था, क्योंकि तब विश्व की घनता भी कम थी। ये सारा नजारा सतयुग और त्रेता युग में 2500 वर्ष तक सदा चलता रहता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्र चक्र में सदा विराजमान थी, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति आत्म अभिमानी थी। इस स्थिति के कारण हमारे अंदर इथर शक्ति का प्रवाह ध्रुवीय तारा के द्वारा निरंतर था और सारा तारामंडल हमारे संकल्पों पर चलता था। सतयुग के आदि में पृथ्वी में पारा की मात्रा बहुत थी और पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पारा की इसी चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। सतयुग में पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति मोनोपोल थी और उसके सारे ऊर्जा केंद्र एक ही जगह केंद्रित थे, जिसके कारण फिर अक्षांश और रेखांश नहीं थे और पृथ्वी का भूभाग कमल की तरह बना हुआ था। सागर का पानी मीठा और शुद्ध था, जिसमें नमक जरा भी नहीं था। सागर पृथ्वी के सारे भूभाग पर चक्रीय तालाब की तरह फैला हुआ था, जो अभी दक्षिण ध्रुव के उस पार भी है, और सागर इतना गहरा भी नहीं था। हर जगह उस भूतल को हम देख सकते हैं। इतना सागर का पानी स्वच्छ, शुद्ध और पारदर्शक था। इस युग में हम मनुष्य आत्माओं की सतोप्रधान अवस्था के कारण प्रकृति हमारे आदेशों पर चलती थी। सतयुग के पुष्पक विमान टेस्ला कॉइल की प्रणाली पर ईथर ऊर्जा द्वारा चलते थे और वो हमारे संकल्प द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। वहां पर सोने के महल होंगे, जो कि हीरों से जड़े हुए होंगे। वहां पर विज्ञान अपनी सत्वप्रधान की चरम सीमा पर था। सतयुग में दो प्रकार के खनिज पत्थर होते हैं, एक किम्बलाइट और दूसरा लिम्प्रोलाइट, जिसमें बहुत प्रकार के हीरे पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश के किरणें अनेक रंगों में परिवर्तित तथा उत्सर्जित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इन्हीं हीरों द्वारा सतयुग के स्वर्णिम महलों में अनेक प्रकार के रंगों की रोशनी रहेंगी और इन हीरों से निकलने वाली किरणों का रंग हम अपने संकल्प द्वारा नियंत्रित या परिवर्तित कर सकते हैं। सतयुग में प्रकाश कणों की प्रकाश कोण डायनेमिक होती है, जिसके कारण जब विश्व महाराजन संकेत करेंगे कि दिन, तो सूरज की प्रकाश कणों का प्रकाश शंकु 180 अंश कोणीय में खुल जाएगा और सारी धरती पर एक ही समय दिन होगा, और जब रात का संकल्प करेंगे तब सारी पृथ्वी पर रात होगी। लेकिन उस समय चंद्रमा पर पड़ी हुई सूरज के किरणों का प्रतिबिंब धरती पर आएगा
और चंद्रमा हर दिन पूर्ण रूप में रहेगा। चंद्रमा की किरणों का प्रकाश शंकु का कोणीय नियंत्रण भी हमारी संकल्प शक्ति द्वारा होगा। सतयुग में हमारा डीएनए 12 तंतुओं का बनेगा, जिससे हमारा शरीर अति सुंदर, शक्तिशाली और सूक्ष्म शक्तियों से भरपूर होगा, जिससे हमारी आयु 150 साल होगी और हम बूढ़े नहीं होंगे। हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर को त्याग देंगे। हमारे मस्तिष्क पर तेजोमय वलय सदा रहेगा। इसीलिए मंदिरों में देवताओं के आगे दिए जलाते हैं, क्योंकि उनकी आत्म ज्योति सदैव जलती थी। देवी देवताओं का जन्म भी पवित्रता की शक्ति से, आंखों द्वारा नयन दर्शन से होगा। वहां काम विकार से कोई भी रचना नहीं होती है। वर्तमान समय में मोर पंछी का जन्म भी उसके आंख से निकले हुए आंसुओं को मादा मोर पंछी ग्रहण करने से होता है। इसीलिए उसकी पवित्रता के कारण कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सतयुग में प्राणियों की रचना मैग्नेटिक फील्ड के रूप में खिलौनों के रूप में होगी और वो बहुत सुंदर और सात्विक होंगे। हम मनुष्य आत्मा सतयुग से लेकर त्रेता युग तक सदैव आत्मिक स्वरूप में 2500 वर्ष तक शुद्ध पवित्र स्वरूप में थी।